अभी अभी एक मिनट पहले आई बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार के दिनहाटा के बेतागुरी इलाके में एक बीजेपी नेता की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता की पहचान प्रशांत रॉय बसुनिया के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक उन्हें गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कूचबिहार के स्थानीय बीजेपी नेता प्रशांत रॉय बसुनिया को उनके घर पर कथित तौर पर दिन दहाड़े गोली मार दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस ने जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि दिनहाटा के बेतागुड़ी में उसके बूथ नंबर 23 में बीजेपी नेता को उस वक्त गोली मारी जब वह घर के अंदर थे। वहीं प्रशांत के परिजनों का आरोप है कि दोपहर में कुछ बदमाश अचानक घर में घुस आए और फायरिंग कर दी। इससे प्रशांत गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशांत को गंभीर हालत में दिनहाटा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता की हत्या के बाद कूचबिहार जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक कुमार रॉय ने कहा कि कुछ लोग आए और प्रशांत को अचानक गोली मारी। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। दिनहाटा में भाजपा नेता प्रशांत रॉय बसुनिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें गोली मारी। पार्टी के सैकड़ों सदस्य दिनहाटा में क्षेत्रीय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे घबराए टीएमसी के शीर्ष स्तर के नेतृत्व में हड़कंप मच गया और ये राजनीतिक हत्या है। शुभेंदु अधिकारी ने मांग की इस घटना की सीबीआई जांच। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि पुलिस द्वारा किसी भी निष्पक्ष जांच को प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता के कारण सत्तारूढ़ दल द्वारा जांच को बाधित या प्रभावित किया जाएगा।